अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं इस्लामाबाद से। आपने तो देखा था हमारी जर्नी कैसी रही थी हैदराबाद से इस्लामाबाद तक। इस्लामाबाद की हद में तो हम आ चुके हैं, लेकिन अभी तक हम इस्लामाबाद सिटी नहीं आए हैं। एंड हियर इज द लास्ट चाय ब्रेक, उसके बाद जो है सीधा इस्लामाबाद जाएंगे। इसके हाल बुरे हो गए हैं, 12 घंटे से ऊपर हो गए हैं हमें सफ़र करते करते। अभी 2 घंटे हैं, वी हैव मोर 2 आवर्स टू रीच इस्लामाबाद टाइम। और अभी टाइम हो रहा है 1:45। इतनी सारी यहाँ पे जगह है, मैं कह रही थी कि मुझे यहाँ से खाना है, वो लोकल मार्ट से पता नहीं क्या खा लिया। इस्लामाबाद एयरपोर्ट कि ये है सेकंड रूम, इसका रूम और इनका रूम। बस हाउस सर्विस वाले जैसे ही वो मैट्रेसेस वगैरह लगा रहे थे, इतनी ज़्यादा इनको देख के नींद आ रही थी ना। आपने देखा ही होगा कितना ज़्यादा लंबा सफ़र हो गया था, ऊपर से इतनी सारी ट्रेजिडीज़। तो बस शुक्र है पहुंच गए। तो बस मैं जो हूँ अपना मेकअप रिमूव कर रही हूँ। सुबह 7 बजे का लगा हुआ है और अभी हो रहे हैं सुबह के 4, ऑलमोस्ट 24 घंटे। सोने से पहले मैंने सोचा नमाज़ पढ़ के सोती हूँ, वैसे भी फजर का टाइम जो है वो हो गया था। अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम इस्लामाबाद। और सुबह सुबह हमारा ब्रेकफास्ट आ चुका है, जो कि बहुत ही गर्म गर्म था। और ब्रेकफास्ट में हमारे पास थे चने, ऑमलेट, पराठे और नान। मीनवाइल सबसे पहले बेबीज़ के ब्रेकफास्ट हो रहे थे, जो कि थे चाय और बिस्किट। वो तो आराम से ये चीज़ें खा लेते हैं, लेकिन हमें तो है ना थोड़ा सा डिफरेंट चाहिए। पंजाब आए तो पंजाब का थोड़ा सा नाश्ता तो होना चाहिए ना। और ब्रेकफास्ट जो था वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट था सिंध से, वो बिल्कुल वैसा नहीं था जैसे यहाँ पर होता है। टोटली एक डिफरेंट टेस्ट था, जो कहते हैं वो प्रूव हो चुका। एंड आई डोंट मीन कि सिंध का नाश्ता ख़राब होता है, लेकिन इस्लामाबाद का और पंजाब का जो है ना वो डिफरेंट था, मतलब डिफरेंट टेस्ट था। तो नई जगह पे मैं जब भी जाती हूँ, आई वांट के मुझे कोई डिफरेंट चीज़ मिले, और ये बिल्कुल ही डिफरेंट था। और आज का ब्लॉग मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। दिस इज़ अ डे 1 इन इस्लामाबाद, एंड फिर हम जो है जा रहे हैं अभी इस्लामाबाद को एक्सप्लोर करने। एंड देन नेक्स्ट मतलब कल वाले दिन हम निकलेंगे वही की साइड पे, तो स्टे कनेक्टेड। जा रही हूँ अपना कॉफ़ी का सामान लेने गाड़ी से, तो मैं ऊपर आके अपनी कॉफ़ी बनाऊँ, क्योंकि अभी तक मुझे होश नहीं आ रहा कॉफ़ी के बगैर। तो लेट्स गो। कॉफ़ी मेरी बन गई है, लेकिन चीनी बगैर। मैंने जो है सुक्राल एंड में डाली थी, लेकिन सुक्राल जो है वो बन गई, मुझे नहीं मिली गाड़ी से। तो बस ये पहली दफ़ा मैं शुगर लेस पी रही हूँ। बेचारी के माँ बेचारी ने सो दिस इज माई टूडेज आउटफिट। आपको अंदाज़ा भी नहीं है कितनी ज़्यादा देर लगी है जो है कपड़े चेंज करने में, मेकअप करने में बहुत ज़्यादा देर लग गई है। अब बस हम जा रहे हैं, अभी गेस्ट भी आ गए थे जो कि रिलेटिव्स थे इस्लामाबाद में हमारे, तो अभी हो गए हैं। और हम जो है अभी जा रहे हैं दामन ने को पता नहीं, मुझे नाम जो है ना बिल्कुल भी याद नहीं रहते, ना ही नए नए नाम है, तो मैं आई पहली दफ़ा हूँ, मुझे नहीं पता। लेकिन दामन एक वो है। दिस इज माय आउटफिट, ऑल वाइट टुडे। सो वी आर ऑफ हियर, बस तैयारी में लगे हुए हैं सर। हेलो बेटा, तू इलाज सही कर रहे थे? Oh, oh, oh.
इशू है कि एक जगह पे पंप है तो फिर बहुत दूर दूसरा पंप है, तो खैर ये चीज़ें होती हैं। जो भी होता है पेट्रोल का बजट मैं आपको ट्रिप की एंड पे सब बता दूंगी। एंड अब यहाँ पे रुके हैं थोड़ा कुछ मार्ट से लेने के लिए चीज़ें वगैरह। यहाँ पे शेजू जो है वो आ चुका है। शेजू बाय बाय। मैं मशहूर कहाँ हूँ? अभी मशहूर हुई नहीं हूँ। ये है मेट्रो इस्लामाबाद की। रियल पाकिस्तान तो ये है, हम तो पता नहीं कौन से पाकिस्तान में रहते हैं। ये ब्यूटी चेक करें आप, मतलब आई वॉज अमेज्ड के मतलब ये कैसे पाकिस्तान हो सकता है, हमने तो ऐसा कोई पाकिस्तान देखा ही नहीं है। तो फर्स्ट टाइम है मैं इस्लामाबाद में, तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस, फर्स्ट टाइम जो होता है ना पहले दफ़ा देखना वो चीज़, वो एक डिफरेंट ही होती है। मुझे पता है मैं सेकंड टाइम जाऊंगी, थर्ड टाइम जाऊंगी, वो वाली चीज़, वो चार्म नहीं होगा जो इस दफ़ा मुझे हो रहा है। और मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। तो ये जो रोड जा रहा था, ये जा रहा था दामन को की तरफ, और दामन को जो है वो नीचे है और ऊपर मुनाल है। तो फाइनली हम जो है दामन को आ गए हैं, और दामन को ऑनेस्टली अच्छा नहीं था, इसका व्यू ही जो है ना वो बिल्कुल हैदराबाद के रानी बाग जैसा लग रहा था, कराची के अलादीन पार्क जैसा लग रहा था, कोई इतना अच्छा माहौल नहीं था वहाँ पे। तो हम इसको स्किप करके ऊपर मुनाल की तरफ चले गए, और बीच में जो है फैसल मस्जिद का व्यू आ रहा था इन द मिड ऑफ मुनाल वे, तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा था ये भी। एंड देन हम मुनाल आ गए, और मुनाल तो आपको पता है कि सबका फेवरेट है, अगर कोई इस्लामाबाद आया और मुनाल नहीं आया तो ट्रिप इनकम्प्लीट हो जाती है। इट्स लाइक हेवन, बहुत अच्छा व्यू है। और यहाँ पे ये जो है पिक्चर्स फोटोग्राफी हो रही है, मेरी पिक्चर्स निकल चुकी हैं, तो आई डोंट अपलोड पिक्चर्स पब्लिकली लेकिन प्राइवेटली मैं करती हूँ। अच्छा, आपने ऊपर जो ला मोंटाना रेस्टोरेंट देखा ना, वो शायद मुनाल वालों का है या नहीं है, लेकिन ये पता था, लोग कह रहे थे कि अगर आप मुनाल एक्सपेंसिव है, अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो आपके लिए ऑप्शन है आप ला मोंटाना पे जा सकते हैं। वो थोड़ा सा ऊंचाई पर भी है, तो वो थोड़ा रेट्स में कम है एज़ कम्पेयर टू मुनाल, और आपको व्यू वगैरह हर चीज़ वैसी ही आती है। पर बात वही आ जाती है ना कि जो भी इस्लामाबाद आता है तो मुनाल ज़रूर आता है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा फेमस हो चुका है पूरी दुनिया में, तो कोई भी स्किप नहीं करना चाहेगा जस्ट बिकॉज इट्स एक्सपेंसिव। और एक्सपेंसिव है तो ये वर्थ इट है, इसकी क्वालिटी फ़ूड की बहुत अच्छी थी और क्वान्टिटी भी बहुत ही अच्छी थी। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारी प्लेट्स जो हैं वो सर्व हो चुकी हैं, एंड अभी जो है हमारा बस खाना आने ही वाला है। तो खाना भी आप देखिएगा, आपको देखने में बहुत ही फ्रेश लगेगा। मैं इतने टाइम से ना ऑथेंटिक चीज़ केक ढूंढ रही थी, लेकिन मुझे कहीं नहीं मिला। इन दी एंड मुझे मुनाल पे मिल गया। मैंने कहा लेट्स ट्राई, एंड इट वाज लाइक अमेजिंग, सो टेम्पटिंग। और हम अभी जा रहे हैं सेंट्रोस मॉल, और मैं और दूसरे कजिन जा रहे हैं सेंट्रोस मॉल, एंड अदर वंस आर गोइंग टू द फैसल मस्जिद एंड म्यूज़ियम। जाने के रास्ते पे इन्होंने पान का स्टॉल लगाया हुआ था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम नहीं खा पाए, क्योंकि अगर हम यहाँ पे रुकते पान बनता बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता, और हमारा जो मॉल है वो बंद हो जाना था 11 बजे, यहाँ पे शायद 10 हो रहे थे। तो हमने कहा कि जल्दी जल्दी एक्सप्लोर कर दे, क्योंकि कल तो हमें वैसे ही नॉर्दर्न एरियाज जाना है, और नॉर्दर्न एरियाज कहाँ पर जा रहे हैं ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ज़रूर बताऊँगी।
ओके सो वी आर आउटसाइड द सेंटोरस मॉल द फेमस वन इन इस्लामाबाद एंड बाहर से इट लुक लाइक दिस और सिचुएशन अपडेट ये है कि यहाँ पे सिचुएशन थी कि मॉल हाफ एन आवर में क्लोज होने वाला था और हमें जो है मॉल विजिट भी करना था क्योंकि नेक्स्ट डे हम बहुत जल्दी फजर के टाइम पे नॉर्दर्न एरियाज के लिए निकल रहे थे तो हमने कहा 15 मिनट ही सही लेकिन हम जो है मॉल का विजिट करके आते क्योंकि आपको पता है सेंटोरस मॉल इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा फेमस है एंड मुझे जो है ना हिस्टोरिकल जगह से जाने से ज़्यादा अच्छा लगता है कि मैं मॉल जाऊँ रेस्टोरेंट जाऊँ मतलब इतनी जो है ना सिटी लाइफ वाली चीज़ें हैं वहाँ पे जाऊँ और म्यूज़ियम और ये वाली चीज़ें जो है ना इसलिए मैं नहीं जा रही थी क्योंकि हम ऑलरेडी नॉर्दर्न एरिया जा रहे थे नेचर में जा रहे थे तो वहाँ पे तो सिटी लाइफ नहीं होगी तो आई वॉज़ लाइक अगर मैं इस्लामाबाद में हूँ तो मैं सिटी लाइफ जितना हो सके उतना इन्जॉय कर सकूँ एंड हेयर वी आर एट द चार्ल्स एंड कीथ और चार्ल्स एंड कीथ पे मामा जो है ये वॉलेट चेक कर रही थी जो कि था लाइक 16,000 समथिंग का लास्ट टाइम जब मैंने चार्ल्स एंड कीथ कराची से परचेज किया था तो मुझे इस प्राइस में पर्स मिला था ऑब्वियसली क्योंकि डॉलर की प्राइस जो है अभी बहुत ज़्यादा हाई हो गई है तो इस तरह से ही मतलब आपको ये चीज़ें मिलती हैं बट द क्वालिटी इज़ सो गुड चार्ल्स एंड कीथ की स्पेशली पर्सेज में बट सैंडल्स में नेवर बाय द सैंडल्स फ्रॉम चार्ल्स एंड कीथ इनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा बुरी होती है एंड आई वॉन्ट अ पर्स मतलब हमें पर्स चाहिए था एमरल्ड ग्रीन में लेकिन हमें वो नहीं मिला यहाँ पर मिला था लेकिन उसका बॉक्स टाइप डिज़ाइन था तो इट वॉज़ नॉट गुड वी वॉन्ट समथिंग ट्रेंडी एंड क्लासी तो हमें ये वाले पर्स नजर आ रहे थे जो कि बहुत अच्छे लग रहे थे लेकिन इसमें कलर ग्रीन अवेलेबल नहीं था सारी जो है सेल लगी हुई है आई गेस इट्स लाइक फॉर एग्जांपल इट वाज 23,870 एंड 16,709 दिस इज क्यूट दिस इज क्यूट ओके तो ऑल्टो पे जो है वो सेल थी लेकिन आपने देखा कि सेल इतनी कोई ज़्यादा नहीं लगी हुई थी एंड द ब्लिंगिंग वन थिंग अट्रैक्ट्स मी ऑलवेज एंड यहाँ पे ये जो प्राइस थी इसकी 30,000 थी पर पीस एंड दिस हैट वॉज वेरी गुड मैंने ट्राई करके भी देखी थी लेकिन ऑब्वियसली मैं यहाँ पे शो नहीं कर सकती नाउ वी आर एट सिनेबन ट्रीटिंग माई सेल्फ फॉर सम मीठा मीठा जो है वो आपको पता है डायरेक्टली दिल में जाता है और ये सिनेमन रोल्स अगर जाए ना तो वो दिल और दिमाग दोनों में चले जाते हैं आई रियली लाइक दिस सिनेमन रोल्स ये जो है कराची वगैरह में भी अवेलेबल होते हैं इफ़ यू हैवन ट्राइड दिस तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा बहुत बहुत मज़े के होते हैं अनफॉर्चुनेटली ऐसी चीज़ें जो है हैदराबाद में ओपन ही नहीं होती क्योंकि अगर ओपन हो भी जाती फॉर एग्जाम्पल एस्प्रेसो ओपन हुआ था तो चंद लोगों के अलावा जिनमें अवेयरनेस थी वो ही जाते थे बाकी कोई और जाता ही नहीं था तो उनका बिजनेस बहुत डाउन गया और उन्होंने एस्प्रेसो यहाँ से बंद कर दिया था तो आई वांट कि हैदराबाद आवाम में भी अवेयरनेस आ जाए देसी पराठे नान कढ़ाइयों से निकल के इन चीज़ों पे भी जो है ना आ जाए ताकि ये चीज़ें यहाँ पर ओपन हों और इनका बिज़नेस चले तो फिर हमें भी मज़ा आए ना खाने में तो खैर अब क्या कर सकते हैं यही है जो है बस अब हम जो है वो जा रहे हैं अलफताह पे मामा की ग्रॉसरी करने ये देखिए हम यहाँ पे जो है ना वेकेशन पे ट्रिप पे हैं लेकिन मामा यहाँ पे भी आ गई अलफताह पे यहाँ पे भी ग्रॉसरी स्टोर आप समझ सकते हैं इस आंटी को ग्रॉसरी स्टोर से कितना प्यार है क्रॉकरी से कितना प्यार है ये देखिए पिंक वाले कितने ज़्यादा क्यूट है पिंक और गोल्ड मतलब बंदा कुकिंग भी करे ना फैंसी तरीके से करे मॉडर्न तरीके से पकाने भी मज़ा आए अब ऐसे थोड़ी इनसे पकाओ मज़ा भी ना आए बस मजबूरी में पकाना पड़े मैं अपने लिए कॉफ़ी ढूंढते ढूंढते यहाँ पे आ गई लेकिन मुझे एक भी कॉफ़ी शॉप नहीं मिली मैकडॉनल्ड्स भी मिला मैकडॉनल्ड्स में हैदराबाद में भी पीती हूँ तो बस हम जा रहे हैं ग्लोरिया जीन्स का एड्रेस पूछ के इतना अजीब लग रहा है मॉल में आके एड्रेस पूछ के लोग अजीब तरीके से देख रहे थे तो मॉल में तो एड्रेस नहीं पता अच्छा आई एम नॉट लाइक रेजिडेंट है फाइनली हमें कॉफ़ी मिल गई एंड आई ऑर्डर द वनीला वन नो सॉरी कैमल वन हो गई ऑर्डर हो गई
वैसे सेंटोरस का ग्लोरिया लुक सो नाइस, सो क्रूजी। ये देखें बेजार होकर मुझसे बैठी है। इतना तो मैं बेजार नहीं करती वैसे, जिस तरह से बैठ गई है। नहीं बुक्स पढ़े अभी, तुम कह रही थी बुक्स के हैदराबाद में से बुक्स क्यों नहीं होते, पढ़ो। मुझे बुक्स पढ़ना बहुत ही जहर लगता है, बहुत ज़्यादा जहर। मूवी नहीं देखी जा रही, 2-3 घंटे बैठ के बुक कौन पढ़ता है। फाइनली माई हैंड्स ऑन कॉफ़ी, ये कॉफ़ी मिल गई है। एंड भैया है नखीट कैफे लोया गेंस का, सो लेट्स गो। अब मामा वगैरह जो है वो वेट कर रहे हैं। काफ़ी टाइम पहले हम घर आ चुके थे और अभी जो है सोने का टाइम हो गया है। कल हम कहाँ जा रहे हैं? कल हम नारायण कागन जा रहे हैं। नारायण कागन नहीं के बालाकोट नारायण कागे नारायण। तो बस आज का व्लॉग भी एंड करती हूँ। नहीं ना सही। और ये इसकी बुआ इसको संभाल रही है। और इसकी माँ जो है कामों में लग गई है, पैकिंग वगैरह में। हमें सुबह 6 बजे निकलना है पर ये मुस्करा रही है। कर रही है, हंस हंस के काम करती है ना। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट व्लॉग जो होगा वो होगा नारायण और कागान का, जो कि हम सुबह उठ के 6 बजे निकलेंगे यहाँ से। तो बस अंटिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। गुड़िया बाय कर, बाय। इब्राहिम बाय कर, टाटा टाटा।